Okay, so in this lecture, we will focus on first the LZ and L square. We have discussed this in the previous lecture where we find out and we can see here as well. If we take L square and LZ ka hum commutation operator, le, to LZ को अगर सिंपल हम लिख सकते हैं एलएक्स के स्केयर के साथ एक दफा और एलवाई स्केयर के साथ. इधर आप देख सकते हैं हमने एलजी के साथ नहीं लिखा क्योंकि वो वैसे जीरो हो जाएगा. कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी है कि दोनों सेम हो तो वो जीरो हो जाते हैं. ये हमने उसे कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई की कि एक तरफ से लेफ्ट एक तरफ राइट विच इज इक्वल टू ए ओटा एच और उसको हमने सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ गया जीरो. इन शॉर्ट के एल स्क्वायर और एल जी जो है वो कम्यूट करते हैं. सो दे हैव अ कॉमन सेट ऑफ आइगन फंक्शन एंड वन कैन प्रूव के वो जो आइगन फंक्शन है वो ये है. साइज इक्वल टू ई ए आयोटा लैम्डा एच कट ओवर फाइव वेयर ये जो नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट है ये डिटरमाइन किया जा सकता है. और हमें पता है ये दोनों के लिए होगा यानी एल जी भी इस पर अप्लाई हो सकता है और एल स्क्वायर भी हो सकता है. ओके व्हाट वी नीड टू डू हेयर is to focus on the eigen function. Eigen function से मुराद के हम focus करेंगे कि eigen function अगर कोई लेते हैं तो उसकी eigen value कैसे निकल सकती है. तो एल जी के लिए जो formula है that's a very simple formula कि एल जी जब वेव function पे apply होगा तो वो जो quantum number m है उसे वो eigen value के तौर पे देगा with h cut is part of a normalization cost part of an eigen value here and psi as it is because eigen function ki definition ke mutabik wo psi jo hai wo dobara hoga jab l square apply karenge kisi eigen function pe to you have h cut square and then you have l into l plus 1 l into l plus 1 is a quantum number to उधर से हम कर सकते हैं. एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल साई टू वन माइनस वन ये एक वेव फंक्शन दिया गया है. इसको कई तरीकों से लिखा जा सकता है लेकिन मेन चीज ये है कि पहला एन को शो करेगा दूसरा एल को शो करेगा और तीसरा एम को शो करेगा. और यहाँ पे इससे भी अभी हमें कोई ताल्लुक नहीं है कि एन की वैल्यू क्या हो तो एल की वैल्यू क्या होती है एम की वैल्यू क्या होती है. बट व्हाट वी हैव हियर कि अगर एल जी लेंगे तो एम वाला आइगन वैल्यू के साथ आएगा. तो ये माइनस एच कट साए है क्योंकि m की वैल्यू यहाँ पे माइनस वन है. इसी तरह जब आप l की वैल्यू लेंगे विच इज वन सो वन इंटू वन प्लस वन टू टू इंटू वन वन सो इज टू एच कट स्केयर साइ. सो इसकी आइगन वैल्यू है टू एच कट स्केयर. ओके आई एम अलाउंग यू टू स्पीक. तो अगर जस्ट आपने ये करना है कि ये जो नीचे एग्जाम्पल है साई टू वन जीरो इसके लिए मुझे बताएं क्या आइगन वैल्यू होगी एल जी की और एल स्केयर की. यू कैन यूज योर रजिस्टर्स टू आंसर. सर एल जी जीरो ओके सो गुलाम भी खान सर के इट्स टू एच कट स्केयर. क्योंकि वो भी आपके पास वन है ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी वन है सो इट्स हैज टू बी टू एच कट स्केयर. जीरो की वजह से वो जीरो हो जाएगा. एल जी जीरो है बिल्कुल. अब आप इसको रिपीट करें साय थ्री टू वन के लिए साय थ्री कोमा टू कोमा वन इसके लिए आपके पास क्या पॉसिबिलिटी. ये देखें एल जी की एच कट आएगी. माइनस एच कट एल जी की माइनस एच कट कैसे आएगी. एच कट आएगी थ्री टू वन है ना एम की वैल्यू वन है.
इसमें आपके पास टू आ जाएगा, टू को एल की जगह आप पुट कप कर दें तो आपके पास एल स्क्वायर की आइगन वैल्यू आ जाएगी, और अगर आप वन को पुट करेंगे एम की जगह तो आपके पास एल जी की वैल्यू आ जाएगी। Okay, someone has answered. So it's 6h square, 2 psi, 2 into 3 is yes, 6. Good, Arohi. Or isi tarah jab aap m ki value search karenge, so it will be h cut psi. So you have dekh sakte hain ki kitna asani se aap iski eigen values nikal sakte hain aur kitne asani se ek easy question isse PPSC ke liye ban sakta hai, jo ki agar aapne practice na kiya ho to it will be like ye kya hai, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की हो या आपको आइडिया हो तो इट विल बी कि ये कितना आसान सवाल आया हुआ है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द आइगन वैल्यूज फॉर एलजी एंड एलस्के। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटम पिक्चर्स। हम क्वांटम मैकेनिक्स में, ओके सो समवन सेड के प्लीज एक्सप्लेन अगेन। सो इसमें जस्ट यही है कि आपने जो एक वेव फंक्शन है उसको आप जब रीड आउट करेंगे तो उसका जो नीचे ये सबस्क्रिप्ट है, पहला होगा एन, दूसरा होगा एल, तीसरा होगा एम। तो ये एन है, ये एल है, ये एम है, और उसको जैसा आपने इस फॉर्मूले में यूज करना है। अगर एल जी की आइगन वैल्यू चाहिए तो एम को एच कट से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर आपको एल स्केयर की चाहिए तो एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच कट स्केयर को साय से मल्टीप्लाई कर दें, या जस्ट सिंपल आइगन वैल्यूज पूछी जाएंगे तो वो आप आंसर दे सकते हैं। तो आपके लिए जस्ट यही है कि आपको पता हो कि कौन सा एन को शो कर रहा है, कौन सा एल को, कौन सा एम को, और आपका फॉर्मूला क्या है। ओके, नेक्स्ट इज पिक्चर्स। पिक्चर से मुराद बेसिकली क्या है कि आप किस स्टाइल में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम है। अगर श्रोडिंगर पिक्चर को, श्रोडिंगर स्टाइल को आप फॉलो करते हैं तो इसमें दो चीजें हैं कि आपका वेव फंक्शन और ऑपरेटर किस तरह वर्कआउट करता है। अगर ऑपरेटर की बात करें तो आपको पता है कि जो कि हम किसी भी सिस्टम से वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं, और वेव फंक्शन जिसमें उस सिस्टम की सारी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। तो सबसे पहले है श्रोडिंगर पिक्चर, जिसमें डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, और हाइजेनबर्ग पिक्चर और जो है इंटरेक्शन पिक्चर। अब मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, और फिर वहां से हम इसको करेंगे कि किसको इसको कैसे याद रखें। सो दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ए साइज इक्वल टू योर टाइट पार्शियल साइज बाय पार्शियल टी, द वेरी बेसिक इक्वेशन फोर्थ पार्शियल रेट, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसमें देखें तो वेव फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। वेव फंक्शन इज डिवाइडेड बाय टाइम। सो ये है श्रोडिंगर, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह को आपको कैट बड़ा नजर नहीं आ रहा। सो श्रोडिंगर पिक्चर में जो वेव फंक्शन है वो टाइम डिपेंडेंट होगा, और वाइस वर्सा जो ऑपरेटर है वो टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब हाइजेनबर्ग इसका रिवर्स है कि उसमें अगर टाइम इंडिपेंडेंट ऑपरेटर है तो यहाँ पे ऑपरेटर टाइम डिपेंडेंट होगा, और उसमें टाइम डिपेंडेंट है तो टाइम इंडिपेंडेंट। सो जस्ट आपने श्रोडिंगर वाला याद करना है, रखना है, और उसके लिए जस्ट ये इक्वेशन याद रखनी है, और ये जरूरी है क्योंकि फोर्थ पास्कुलेट है तो ये आपको वैसे ही याद होनी चाहिए। तो यहाँ से आप जस्ट इक्वेशन लिखें, जस्ट रिकॉल करें, पार्शियल साय बाय पार्शियल टी, श्रोडिंगर में साय जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, ऑपरेटर टाइम इंडिपेंडेंट होगा, हाइजेनबर्ग में इसका उल्टा होता है, वो टाइम इंडिपेंडेंट, वो टाइम डिपेंडेंट, और आखिरी रह गए इंटरेक्शन पिक्चर जिसमें दोनों ही टाइम पर डिपेंड करते हैं। ये क्वांटम फील्ड थ्योरी में हम इसको यूज करते हैं। इंटरेक्शन पिक्चर को हम डिराक पिक्चर भी कहते हैं। तो तीनों साइंसदान के नाम श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग एंड डिराक। अच्छा, जो हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स मैकेनिक्स से हमें पता है, जो मैट्रिक्स फॉर्मुलिज्म जो हमने पढ़े या हम पढ़ेंगे, तो उसमें वो हाइजेनबर्ग का स्टाइल था, और उसमें वो नज़दीक तरीन होती है क्लासिकल फिजिक्स के। तो ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि तीनों पिक्चर्स में से कौन सी पिक्चर करीब तरीन है क्लासिकल फिजिक्स के, तो वो है हाइजेनबर्ग पिक्चर। हाइजेनबर्ग पिक्चर इज क्लोजेस्ट टू क्लासिकल फिजिक्स, और उसमें रूल यही है कि आप फिक्स बेसिस को यूज करते हैं। फिक्स बेसिस से क्या मुराद है कि वेव फंक्शन टाइम इंडिपेंडेंट है, तो बेसिस वेव फंक्शन को बेसिस का वर्ड हम यूज करते हैं, तो वो चेंज नहीं होगा, ऑपरेटर चेंज होंगे।
मकसद लेकिन वही रहेगा कि आपने सिस्टम को सॉल्व करना। ओके, अब हम जाते हैं हाइजेनबर्ग पे ही कि मैट्रिक्स मैकेनिक्स जो है वो उससे क्या मुराद है। उससे मुराद जस्ट यही है कि आप ऑपरेटर्स को मैट्रिक्स की शक्ल में लिखें, जो हम पहले साथ डिस्कस कर चुके हैं किस तरह लिखते हैं और किस तरह सॉल्व करते हैं। तो इसमें से एक जो फेमस मैट्रिक्स है वो है स्पिन, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर स्पिन पॉलीमैट्रिसेस को आप कुछ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे ये सिग्मा एक्स है, इसको आप एच कट बाई टू से कर दें, सिग्मा वाई को एच कट बाई टू से और सिग्मा जेड को एच कट बाई टू से, तो वो जो मैट्रिसेस हैं स्पिन पॉलीमैट्रिसेस वो स्पिन की आपकी मैट्रिसेस बन जाती हैं, और इधर से आप उसकी आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं और जो भी करना चाहे कर सकते हैं। और ये सेम वही फॉर्म रूल्स फॉलो करता है जो कि पॉलीमैट्रिसेस करती थी, कि ये एंटी कम्यूट करते हैं, इसका अगर आप कम्यूटेशन रिलेशन लें ये आएगा, इसका अगर आप स्केयर लेंगे तो ये आइडेंटिटी नहीं आएगा, थ्री एच कट स्केयर और फोर आएगा, क्यों? क्योंकि अब ये जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है ये अपना रोल प्ले करेगा। सो सिंपली जस्ट मैट्रिक्स आपने याद रखनी है पॉलीमैट्रिसेस, और पॉलीमैट्रिसेस को अगर एच कट बाय टू से मल्टीप्लाई कर दें तो कंसर्न्ड स्पिन मैट्रिक्स आ जाएगी। इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम मैट्रिसेस होती हैं और बहुत सी हैं, लेकिन जारी बात है हम उसमें से स्पिन वाली कर लें या पीछे ना करें, तो इसको भी अगर देखना चाहें देख सकते हैं, तो क्योंकि करने को तो बहुत सारी हैं, आई थिंक 30-40 बन जाएंगी तो सारी याद नहीं की जा सकती। सो ये जस्ट गुड आइडिया, लेकिन मेन आपका यही है पॉली मैट्रिसेस और स्पिन मैट्रिसेस, और मेन ये कि हाइजेनबर्ग की जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसका ताल्लुक मैट्रिक्स से है, श्रोडिंगर का ताल्लुक नहीं है। ओके, आगे है आइडेंटिकल पार्टिकल्स आल्सो नोन एज इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स से क्या मुराद है कि उन्हें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो वैसे तो ये फुल दो चैप्टर्स बन जाते हैं किसी भी बुक के, लेकिन उसे जस्ट ब्रीफ रखते हुए कि इससे मुराद क्या है। तो दो तरह के पार्टिकल्स हम बात करते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल, एक है बोसोंस और एक है फर्मियोंस। फर्मियोंस वही हैं जिन्हें हम आम जबान में इलेक्ट्रॉन्स को भी हम उस कैटेगरी में लेते हैं, जिनकी स्पिन हाफ इंटेग्रल होती है, 1/2 इंटेग्रल स्पिन के लिए जो होगी वो होंगे बोसोंस, जिस पे आता है फोटोन जिसकी स्पिन 1 है, ग्रेविटॉन जिसकी स्पिन 2 है, और हिग्स बोसोन जिसकी स्पिन 0 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इधर डिस्कस की जा रही है, स्पिन किसकी क्या है। और ये इंटेग्रल स्पिन है तो उसे बोसोंस कहेंगे। ये सिमेट्रिक स्टेट्स को शो अप करते हैं बाय बोसोन, ये बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, और इस पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता कि एक स्टेट में एक से ज्यादा बोसोंस हो सकते हैं, देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन। लेकिन जब हम फर्मियोंस की बात करें जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूट्रॉन्स हैं, तो वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे। और एंटी, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि अब इसकी डेप्थ में अभी फिलहाल नहीं जाया जा सकता, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन या इनका एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है अगर उसको हम स्लैटर डिटर्मिनेंट के तौर पे लिखते हैं, आप में से कईयों ने सॉलिड स्टेट में ये टर्म सुनी भी होगी, तो स्लैटर डिटर्मिनेंट बेसिकली मैट्रिक्स है जिसमें जब आप वेव फंक्शन को 2/2 का, 3/3 का, 4/4 का बनाते हैं, तो जिससे जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी रखता है। एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से मुराद है कि जब आप उनको रिप्लेस करेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये बेसिकली कुछ समराइज लिटरेचर है अबाउट इनडिस्टिंग्विशेबल आइडेंटिकल पार्टिकल्स। ये पार्टिकल फिजिक्स में भी कॉमन है, पार्टिकल फिजिक्स जिन्होंने पढ़ी हुई है अगर अपनी एमएससी में, तो उनके लिए ये चीज़ें कुछ आसान होंगी। इसको स्टैंडर्ड मॉडल से भी लिंक किया जा सकता है, स्टैंडर्ड मॉडल में भी कुछ चीज़ें इससे रेलेवेंट हम पढ़ते हैं, तो स्टैंडर्ड मॉडल भी हम करेंगे क्योंकि वो भी पीपीएससी में पूछा जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज फ्रॉम द क्वांटम मैकेनिक्स इज हाउ टू कैलकुलेट द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो उसके लिए हम एक सेपरेट पीपीटी ओपन करते हैं। जस्ट लेट मी नो इन अ चैट बॉक्स कि आपको ये स्लाइड नजर आ रही है, क्वांटम मैकेनिक्स पीपीटी और एग्जांपल जहां पे लिखा हुआ है। जी सर, ओके, दैट्स गुड, क्योंकि मैं आई जस्ट ट्राइड फॉर द फर्स्ट टाइम, जूम ने एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी है कि आप कंट्रोल करके एक टाइम में एक से ज्यादा स्क्रीन भी शो कर सकते हैं, and keeping it private as well. Okay, so ये एक matrix है, इसकी हमने eigen value निकालनी है। तो paper में आपको, वैसे तो हम eigen function भी थोड़ा सा इधर discuss कर लेंगे, लेकिन paper point of view से I think eigen value ही maximum आएगी, क्योंकि एक matrix solve करनी है
तो इट्स मेक गुड सेंस के कैलकुलेटेबल क्वेश्चन भी है और ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। तो इसमें जस्ट आपने क्या करना है कि करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन से क्या मुराद है कि आपने जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें से लैम्डा माइनस कर देना। तो आप इस स्टेप से इस स्टेप पे डायरेक्ट आ जाएंगे जब आप कर रहे होंगे इसे पेपर के लिए। तो माइनस फोर माइनस लैम्डा माइनस सिक्स वैसे ही क्योंकि डायगोनल नहीं है थ्री एंड देन फाइव माइनस लैम्डा और ये लैम्डा फिक्स नहीं है कुछ भी लिखा जा सकता है म्यू लिख लें। और फिर आप जस्ट क्या करें उसका डिटर्मिनेंट ले लें। डिटर्मिनेंट आपको पता है कि डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दें माइनस बाय फॉर्मूला और अदर जो है एंट्रीज उनको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो आपके पास आंसर बना है इसको जीरो के इक्वल रख दें, मतलब जो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसका आपकी लेफ्ट हैंड साइड जीरो के इक्वल आ जाएगी और वहां से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी लीनियर इक्वेशन आ जाएगी और आपको पता है उसे कैसे सॉल्व करना है। मोस्ट प्रोबेबली पीपीएससी के लिए आज से एक सिंपल लीनियर इक्वेशन ही होगी। तो वहां से आपकी जो वैल्यूज निकलेंगी लैम्डास की दैट आर नोन एज आइगन वैल्यूज। तो इस सिस्टम के लिए आपके पास लैम्डा की जो वैल्यू है वो टू है और माइनस वन है। ये हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसका ट्रांसपोज उसके बराबर नहीं आएगा सो इट्स नॉट हर्मिशियन। इस तरह की कुछ बेसिक चीज़ें वो मैट्रिक्स आपको दे के पूछ सकता है जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल कुड बी टू फाइंड द आइगन वैल्यूज। अब आइगन वैल्यूज के लिए आप आइगन फंक्शन निकाल सकते हैं, जितनी आइगन वैल्यूज होंगी उतने आइगन फंक्शन होते हैं। तो उसका तरीका जो होता है वो यही होता है कि आप इक्वेशन में वैल्यू दर्ज करके उसे सॉल्व कर लें, आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आएंगे। ट्रिवियल सॉल्यूशन से मुराद होता है कि कोई भी आंसर हो सकता है, तो उस केस में फिर आप अपनी तरफ से एक आंसर रख के उसे लगा देंगे। सो आई एम नॉट गोइंग टू डेप्थ, ये स्लाइड्स आपसे शेयर हो जाएंगी, आप इसे देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो जस्ट इसमें सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, जैसे ये देखें इधर जस्ट उसने माइनस सिक्स को एक्स वन से किया तो माइनस सिक्स एक्स वन आ गया, माइनस सिक्स को एक्स टू से किया तो माइनस सिक्स एक्स टू आ गया और उस साइड पे जीरो आ गया। इसी तरह उसने जो सेकंड रो है उसको किया तो जीरो। अब अगर इसको देखें तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन देता है, तो यहाँ से एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स टू है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो आप अपने लिए आर रख लें, वन रख लें, टू रख लें, तो जो भी वैल्यू होगी दूसरी उसके कोरस्पॉन्डिंग आ जाएगी। तो ये थी पहले आइगन वैल्यू के लिए। अब इसी तरह सेम प्रोसीजर दूसरी आइगन वैल्यू के लिए फॉलो होगा और वहां से आइगन फंक्शन निकल आएंगे और यही वही आइगन वैक्टर्स होंगे जो कि बेसिकली आपके सिस्टम के लिए मेन रोल प्ले कर रहे होंगे, जो कि हमने कल उसे मैटलैब बेस किया था और जस्ट इनको मल्टीप्लाई करके देखा था कि ये ऑर्थोगोनल नहीं होते अगर नॉन हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अच्छा, ये 3x3 है तो 3x3 के लिए भी वैसे ही डायगोनल एंट्री से माइनस कर दें वेवलेंथ लैम्डा या कोई भी कांस्टेंट और उसका डिटर्मिनेंट लेके जीरो के को रख के सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा और वो आइगन वैल्यूज होंगे। आइगन वेक्टर की डेप्थ में हम नहीं जाते क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। ओके, सो दीज आर सम स्टेटमेंट्स जो कि आपको एज इट इज पेपर में आ सकती हैं, आप इसको टेस्टिफाई भी कर सकते हैं। अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू जो है वो डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगी। इससे मुराद ये है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 0 0 2 और इसकी आपने आइगन वैल्यू निकाली है तो सेम प्रोसीजर फॉलो करें, 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा को 2 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, वहां से आपके पास आ जाएगा 1 जो भी आप सॉल्व करेंगे। तो फाइनल आंसर जो आइगन वैल्यूज का आएगा वो 1.2 ही आएगा। सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस होल मैट्रिक्स तो आप क्या कर सकते हैं, बगैर सॉल्व की आंसर लिख सकते हैं, मे बी उस मैट्रिक्स को बड़ा कर दिया जाए 3x3 का बना दिया जाए तो फिर उस केस में आइगन वैल्यूज आ जाएंगे 1 2 3, कुछ भी वैल्यूज हो सकते हैं लेकिन डायगोनल होना जरूरी है कि नॉन डायगोनल एंट्री जीरो। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप डायरेक्ट आइगन वैल्यूज बता सकते हैं। ए और ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू सेम होंगी, अगर मैट्रिक्स ए दी गई है उसकी आइगन वैल्यूज आपको पता है तो उसका ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज पूछी जाए तो वही आएंगी, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें डायगोनलाइजेशन की बात हो रही है और ये क्वेश्चन हमने किया है बेसिकली, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे सी एक यूनिटरी मैट्रिक्स का रोल प्ले कर रही है यू माइनस, तो इस आप करें तो उसमें उसको हम डायगोनलाइजेबल कहते हैं। डायगोनलाइजेशन से वही मुराद है कि आइगन वैल्यू सारी डायगोनल पे आ जाए। ओके, सो आई थिंक इसमें से यही है। तो ये आपका जो पोर्शन है ये क्वांटम मैकेनिक्स का है।
जिसमें हमने